हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह संदेश मेरा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री दहिया जी के लिए है। उन्होंने आदेश दिया है, बस जगह पर नहीं रोकी तो लाइसेंस होगा कैंसिल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने यह संदेश दिया है। परंतु मैं आपके लिए एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ। आप दिन प्रतिदिन ऑटो जो थ्री व्हीलर हैं उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं, और बस बॉक्स के अंदर हुए ऑटो थ्री व्हीलर्स खड़े रहते हैं, आपकी ई रिक्शाएं खड़ी रहती हैं, आपने उनका कुछ इंतजाम नहीं किया। यानी कि आप एक किस्म से जो है शोषण करते हैं, बस चालकों का करना चाहते हैं। आपकी एनफोर्समेंट है जो आपने विभिन्न बस स्टॉप पर लगाई हुई है, क्या उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वह बस बॉक्स के अंदर सवारियों को, जो बस में चढ़ने वाली होती हैं, तथा थ्री व्हीलर्स और ई रिक्शा को हटाएं, दिल्ली के जो यात्री हैं उनको एजुकेट करें? आपके वो यात्री बस बॉक्स में नहीं, वो सेंटर लाइन तक खड़े हो जाते हैं। आप वो नहीं कर सकते। आपका वो वाला हिसाब है कुम्हार की कुम्हारी पे जो है पार ना बसाई, जा गधे के कान ऐठे। ठीक है ना श्रीमान महोदय? और एक चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत भी दे सकता हूँ। जाइए डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन, जाइए उत्तम नगर के चौराहे के ऊपर, जाइए आप सागरपुर में, जाइए आप मुनीर का, जाइए आप आईआईटी हॉस्टल गेट, एसडीएम मार्केट, जाइए आप सर्वप्रिय विहार मेट्रो हौजखास मेट्रो स्टेशन। मैं जगह बताता हूँ श्रीमान महोदय आपको। आपके उस बस बॉक्स के अंदर कौन लोग खड़े थे जा करके आप देखिएगा। एयर कंडीशन में बैठ करके पॉलिसी बनानी बड़ी अच्छी है, बड़ा आसान हैगा, परंतु प्रैक्टिकल उतारिए। क्या आप ये चाहते हैं कि जो बस के इंतजार में जो लोग सड़क के ऊपर खड़े रहते हैं उनको धकियाते हुए वो बस को आगे बढ़ाता रह रहा है, और चाहे कोई किसी के ऊपर भी चढ़ जाए? आप अपना काम पूरा करवाइए अपनी एनफोर्समेंट से, लोगों को एजुकेटेड कीजिए। वो क्यों शेल्टर के अंदर ही रहें, उससे नीचे ना आए? वो नहीं करेंगे आप। जाइए मुनीर का में देखिएगा, हजारों ऑटो जो है आपको खड़े नजर आ जाएंगे, यहां तक कि दो दो लेन घेर कर रखते हैं वो ऑटो। और मैंने इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है उनको भी ईमेल किया था, क्या हुआ? ढक के तीन पात। जाइए आप खजूरी खास के चौराहे के ऊपर, जाइए आप भजनपुरा में, और जितने भी मेट्रो स्टेशन है जाइए करोल बाग पर, आपको वहां पर बस निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और आपने फरमान जारी कर दिया कि उनके चालान किए जाएंगे, उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपका डिपार्टमेंट अपना काम खुद नहीं कर पाता ढंग से, और आप चले हैं ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए। पहले उनको ठीक कीजिए, और उसके बाद देखिए कौन ड्राइवर जो है खोलता है। जाइए सागरपुर में, आपको पता लग जाएगा, जहां पर सागरपुर के स्टैंड से लेकर के रेड लाइट तक देशों की लाइन लगी रहती है बसों की, उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। करिए आप जो आपका जो दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स 1993 है, उसमें आपने उस रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि बस लेन में कोई दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी, एक्सेप्ट नो एंट्री का टाइम जब खुल जाएगा उसके बाद में। वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत होगी, हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट की पिटाई भी हो जाए वहां पर लोगों की, अगर आपने वो चीज की। आप एक रूल्स निकाल दे कि हाँ भाई लाइसेंस कैंसिल होगा। अरे ड्राइवरों को क्या दिक्कत है, क्यों करेंगे वो खड़ी? जाइए आप पीतमपुरा में, उस मेट्रो के पीतमपुरा मेट्रो नीचे जो है बस स्टैंड है, बस क्यू क्यू सेल्टर रहेगा, जाइए देखिए कितनी ई रिक्शा खड़ी है उसके ऊपर दो दो लाइन में। जाइए सुभाष प्लेस की जो रेड लाइट हैगी उसके ऊपर जो है, रेड लाइट के ऊपर आपकी ई रिक्शाएं खड़ी रहती हैं,
बस निकालने के लिए जगह नहीं मिलती वहां को। जाइए आप खानपुर में, संगम विहार, श्रीमान महोदय, ऐसे ऑर्डर निकालने बड़े आसान है, परंतु उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी कुछ और चीजें भी जरूरी हैं। अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जो आप चेकिंग के लिए भेजेंगे, उनको निर्देश दें कि यदि वहां पर स्टैंड के ऊपर कोई ई रिक्शा या ग्रामीण सेवा या किसी प्रकार की कार खड़ी हुई मिलती है, उसका चालान बनाए, चालान नहीं, उसको जब्त करें और फिर देखें क्या हंगामा होता है दिल्ली के अंदर। 2 दिन में आपका ये ऑर्डर वापस हो जाएगा। है हिम्मत आप में तो कर करके दिखाइए। हमें आपत्ति नहीं है बस को क्यू सेंटर में खड़े करने की, और इसके लिए मैं कई बार चेयरमैन महोदय डीटीसी को भी लिख चुका हूं, ईमेल कर चुका हूं। जाइए द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से लेकर के कीर्ति नगर तक निरीक्षण तो कीजिए बाहर निकल के सड़कों का, क्या हालत है आपकी सड़कों की। बस लेन को जो है ई रिक्शा की लेन बना करके रखा हुआ है, स्टैंडों को जो है जो बस स्टॉप हैंगे उनको जो है ऑटो रिक्शा का स्टैंड बना के रखा हुआ है, और आप बैठ करके एयर कंडीशन के अंदर एक आदेश पारित कर देते हैं। उनको क्लियर कराइए ना महोदय, वो नहीं कराएंगे आप, और चले हैं डंडा चलाने के लिए बस के ड्राइवरों के ऊपर कि इनको संगवाओ सालों को। एक तो वैसे ही डीटीसी को ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, खड़ी रह जाती हैं गाड़ियां बिना ड्राइवरों के। पूछिएगा डीटीसी से आंकड़े निकलवा करके कि कितनी बसें डेली जो है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर जो है खड़ी रह जाती हैं आपकी। और यह वीडियो जो है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी उनके लिए भी है। आपका फ्लाईओवर बनने लग रहा है आजाद मार्केट में झांसी रानी रोड पे, उसको 15 साल हो गए बनते बनते, आज तक वो नहीं बना है, जहां पर 3-3 घंटे गाड़ियां बसें फंस कर खड़ी रह जाती हैं और बसों को चलाने के लिए जगह नहीं है आपकी सड़कों पर। वहां पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चल रही है बस लेन के अंदर। जाइए आजादपुर के बस स्टैंड पर, बहुत नियर बाई है सर आपके, आपको नजर आ जाएंगी। गेट के ऊपर दुकानें खोल दी हैं आजादपुर बस टर्मिनल में, जहां पर बस निकलने के लिए दिक्कत होती है। जाइए मुनीर का डीडीए फ्लैट पर, स्टैंड पर जाइए, वहां पर इल्लीगल दुकानें खुली हुई हैं, और देखेगा उस बस स्टैंड का डिजाइन जहां फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। अगर उस क्यू सेट उस बस बॉक्स के अंदर ड्राइवर गाड़ी खड़ी करेगा तो उसको रिवर्स करके तब निकालनी पड़ेगी। रोज खास मेट्रो स्टेशन पर जाइए, देखिएगा कितनी ग्रामीण सेवा खड़ी है उस क्यू सेल्टर के अंदर, और उनकी वजह से ऑटो की और ग्रामीण सेवा की वजह से जो है जीएस राय तक जाम रहता है, वो दिखाई नहीं देता आपके डिपार्टमेंट को। आप चले हैं, चलो भाई बसों के ड्राइवरों को सड़कों को तंग करते हैं, बोलिए, ईमेल कर देता हूं आपको, और कहेंगे तो सबूत भी पेश कर दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो बना के पोस्ट की जा सकती है, आपको भेजी जा सकती है। मुनीर का में जाकर के देख लीजिए आप क्या हालत है। कोई स्टैंड ऐसा नहीं है जिसके क्यू सेल्टर के अंदर, क्यू बस बॉक्स के अंदर आपकी ऑटो रिक्शा ना खड़ी हुई हो। क्या हम उनको लड़े उन लोगों से? ये किसका काम है उसको खाली करा के रखने का? आपका है या डीटीसी या क्लस्टर बसों के ड्राइवर का है? किसका है वो काम? क्यों आपकी ट्रैफिक पुलिस और आपका डिपार्टमेंट लचर है इस व्यवस्था को सुधारने में?
जाइए, जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो कॉरिडोर जा रहा है उसके नीचे आपको खड़ी आ जाएंगी प्राइवेट कार, जो वो सेल एंड बाय वाले काम करते हैं स्टैंडों के ऊपर, उनकी वो पार्किंग बना कर रखी हुई है उन्होंने। आपने एक फरमान जारी कर दिया कि चलो भाई इनको परेशान करो, क्या लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दें हम? जो सवारी है उनको क्यों नहीं आप जो है एजुकेटेड कर पाया आज तक 10 साल, जबकि इन लो फ्लोर को भी चलते चलते हो गए हैं। लोग इस तरह से भागते हैं बस कि देखते हैं, जैसा उसको क्यू सेल्टर को छोड़कर जैसा जो है टेक ऑफ ले जाएगी, वो देखते नहीं है कि बस आ रही है किस तरफ जा रही है, भागते हैं बस। आप उनको एजुकेट नहीं कर पाते हैं। एक ये दे दिया अखबार के अंदर कि बस जगह पर नहीं रोकी गई तो लाइसेंस होगा कैंसिल, करवाइए सागरपुर में उसका इंतजाम कि बस जो है प्रॉपर खड़ी हो। आपकी सवारियां लेकर क्यू सेल्टर से लेकर के डेसू की रेड लाइट तक खड़ी रहती हैं। आपकी बसों के अंदर जीपीएस सिस्टम तो जो 5 करोड़ रुपए के लगाए गए थे वो साले सबके सब गायब हो गए हैं, और लोगों से उसकी रिकवरी कर ली गई है और लगाए नहीं गए हैं दोबारा, और आपका डिपार्टमेंट उन बसों को पास किए जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन है, आप वो नहीं करेंगे। कैसा आपका कैसे किस ऑथोरिटी के ऊपर आपका जो है डिपार्टमेंट उन बसों को पास कर रहा है जिनमें जीपीएस नहीं लगे हुए हैं? अब अगर जो है बिना उसके स्टैंड के ड्राइवर उनको सवारी होना चढ़ा, वो कंप्लेंट करते बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, और आपका जो दिल्ली कॉरपोरेशन है और आपका डिपार्टमेंट मिलकर उन ड्राइवरों की वाट लगा देता है कि तूने बस क्यों नहीं रोकी है, क्या प्रूफ होता है आपके पास में? अगर आपके पास में जीपीएस सिस्टम आने लगा हुआ है बसों में, कहाँ गए वो जीपीएस सिस्टम? ईच जीपीएस सिस्टम हैज़ 10,000 रुपीज कॉस्ट। 4,500 बसों में वो जीपीएस सिस्टम लगाए थे गए थे, आज तक एक में भी नहीं अब, और लोगों से पैसा लिया गया, ड्राइवर से पैसे लिए गए हैं। कैसा पास कर दिया आपके डिपार्टमेंट ने वो गाड़ियाँ? कैसा आपका डिपार्टमेंट ने जो है वो बिना जीपीएस के पास की हैं? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस का वायलेशन कैसा कर दिया है आपने? जिससे कि ड्राइवर ये साबित, जबकि वो जीपीएस सिस्टम इसीलिए लगाए गए कि ड्राइवर जो है प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, प्रॉपर स्टैंड पर रोक रहा है नहीं रोक रहा है। ड्राइवर के रोकने के बावजूद भी स्टैंड पर अगर वो सवारी कहीं रेड लाइट पकड़ी वहां से खड़े होकर फोन कर देती है कि ड्राइवर ने बस नहीं रोकी है इस स्टैंड पर, और उसके बात पर यकीन कर लिया जाता है, और ड्राइवर को ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो। उसके बाद में ऐसी कौन सी आपके टेक्निकल पद्धति है आपके पास में जिससे आप डिसीजन ले लेते हैं आपका डिपार्टमेंट कि ड्राइवर ने बस नहीं रोकी है? तो यानी कि आप एक तरफ आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं ड्राइवर, एक तरफ जो है सवारियां ब्लैकमेल करती हैं। क्लियर कराइए आप क्यू सेल्टर ऑटो से और सवारियों से, बस बॉक्स को क्लियर कराइए। अगर आप उन चीजों को क्लियर नहीं कराएंगे, अगर स्टैंड पर आपका डिपार्टमेंट खड़ा हुआ मिलेगा तो उसकी कंप्लेंट फिर मैं करूंगा और कोर्ट में घसीटा जाएगा फिर सबको। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिस्टर दहिया के पास तक जाए। एक तुगला की फरमान निकाला जा रहा है, अपनी सवारियों को नहीं समझा सकते, ऑटो वालों को वहां से नहीं हटा सकते, टैक्सी वालों को स्टैंडों पर से नहीं हटा सकते, ई रिक्शा को बस स्टैंडों पर से नहीं हटा सकते हैं आप लोग, तो क्या उनको पीछे से ठोक दे ड्राइवर लोग? इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये मिस्टर दिया तक जाए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर तक। थैंक यू एंड बाय बाय।